गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम पांच आज के लिखित प्रश्न उत्तर करेंगे। पाठ का नाम है रक्त का पंचनामा। तो देखते हैं, इसका पहला प्रश्न है एनीमिया क्या होता है। एनीमिया रक्त की कमी अर्थात शरीर में लाल रक्त की कमी को एनीमिया कहा जाता है। एनीमिया से बचने के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए। एनीमिया से बचने के लिए हमें हरी सब्जियां, फल, दूध, अंडे, मांस आदि का सेवन करना चाहिए। रक्त के दो भाग कौन कौन से हैं? रक्त के दो भाग इस प्रकार हैं: नंबर एक प्लाज्मा, नंबर दो वह भाग जिसमें छोटे बड़े कई तरीके के कण तैरते हैं, कुछ लाल कण, सफेद कण, वे कुछ जिनका रंग ही नहीं होता, इन्हें बिंबाणु कहा जाता है, यह प्लाज्मा में तैरते हैं। चौथा प्रश्न है पेट में कीड़े क्यों हो जाते हैं, इनसे कैसे बचा जा सकता है। पेट में कीड़े दूषित पेय जल से हो जाते हैं, तो कई बार जमीन की ऊपरी सतह पर कीड़े पाए जाते हैं, कीड़े होते हैं जो कि नंगे पैर चलने से त्वचा के सहारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, इसीलिए इनसे बचने के लिए हमें साफ पानी पीना चाहिए। दूसरा, पौष्टिक व स्वच्छ आहार लेना चाहिए। खाने से पूर्व हाथों को भी धोना चाहिए। चोट लगने पर शरीर से रक्त निकलना कैसे बंद हो जाता है। चोट लगने वाले स्थान पर रक्त प्लेटलेट्स जालीनुमा संरचना बना देती है। प्लेटलेट्स जालीनुमा संरचना बना देते हैं, जिससे खून का बहाव बंद हो जाता है, वहां एक भूरे रंग का थक्का बन जाता है। रिंकू का रक्त उनकी मम्मी को क्यों नहीं चढ़ाया जा सकता है। रिंकू का रक्त मम्मी को इसलिए नहीं चढ़ाया गया था क्योंकि सर्वप्रथम रक्त की जांच की जाती है, तत्पश्चात ये ज्ञात होता है कि ब्लड का समूह यानी कि रक्त का समूह कौन सा है, उसके पश्चात ही रक्तदान किया जा सकता है। अब आते हैं हम भाषा अध्ययन पर। पांच में निम्नलिखित के विशेष शब्दों के लिए प्रयोग किए गए विशेषण शब्द चुनकर लिखने हैं। विशेषण, विशेष्य के लिए जो विशेषण होगा वो आपको लिखना है, ये बुक से पढ़कर, किताब से पाठ को पढ़कर फिर आपको पूरा करना है ये अपनी बुक में। उदाहरण के अनुसार रेखांकित पदों को देखकर लिंग वचन पहचान कर लिखने हैं आपको। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं। कण पुल्लिंग और एक नहीं होते हैं, कण काफी सारे हैं, बहुवचन, क्योंकि एक के लिए भी कण, कणों नहीं होगा, बहुवचन। हमें रक्त लाल रंग का दिखाई देता है, रक्त पुल्लिंग बहुवचन। भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह हाथ धोए पुल्लिंग एक बच्चे। हमारा शरीर इतने रक्त को कुछ ही दिनों में बना लेता है, पुलिंग एक वचन। हमारे अस्पताल में रक्तदान शिविर लगा हुआ है, पुलिंग एक वचन। रेखांकित के सर्वनाम का भेद लिखना है, इसमें नीचे दिए हुए हैं कुछ ये प्रश्न, इसको पढ़ने के पश्चात आपको इसे पूर्ण करना है। लंबे समय तक या बार बार एक काम करने के लिए हम कई क्रियाओं का उपयोग करते हैं, जैसे सोचकर। दिए गए क्रिया शब्दों को बारंबारता के अर्थ में प्रयोग कीजिए। तुम डॉक्टर लोग बीमारी - इलाज करते हो। तुम डॉक्टर लोग बीमारी ढूंढ ढूंढ कर इलाज करते हो। नंबर दो, रक्तदान से कमजोरी आएगी, रिंकू यह पूछ पूछ कर परेशान हो गया, सोच सोच कर परेशान हो गया। अंकिता ने प्रश्न - दुखी कर दिया। अंकिता ने प्रश्न पूछ पूछ कर दुखी कर दिया। हमें पौष्टिक भोजन खा खा कर स्वस्थ रहना चाहिए। ये
आज आपको फुर्सत मिल गई। इस वाक्य में मिल मूल क्रिया और गई रंजक क्रिया है। इन वाक्यों में मूल क्रिया और रंजक क्रिया ढूंढनी है आपको। अपने अनुसार अब इसको मूल क्रिया और रंजक क्रिया को ढूंढेंगे। पहला है, मैं 5 मिनट से दरवाजा खटखटा रही हूँ। इस वाक्य की रचना की दृष्टि से सरल वाक्य है। सरल वाक्य के ही 2 अनिवार्य तत्व भी होते हैं, एक उद्देश्य और एक विधेय। मैं के बारे में बात कर रही हूँ, मैं के बारे में बात की जा रही है, यह उद्देश्य है। और जो कुछ कहा जा रहा है वह है विधेय, यानी कि जिसके जो बोल रहा है, जिसके जो बता रहा है वह है उद्देश्य, और जो बताया जा रहा है वह होता है विधेय। जैसे ये लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह होते हैं। तो यहाँ उद्देश्य और विधेय बताना है। उद्देश्य हो गया ये लाल कण विधेय बनावट में बालूशाही की तरह होते हैं। एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है। तो किसकी बात हो रही है? एनीमिया। उद्देश्य एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है। उसी प्रकार अन्य आपको ढूंढकर लिखने हैं। कीड़े प्राय दूषित जल और खाद्य पदार्थों से के साथ हमारे शरीर में प्रवेश पा जाते हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे? कीड़े किसके द्वारा आते हैं? ये दूषित जल और खाद्य पदार्थों के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। बिंबाणु चोट लगने पर रक्तजमक क्रिया में मदद करते हैं। रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार से हमें यह देखना है कि क्या इसमें उद्देश्य है और क्या विधेय है, उसको विभाजित करके कंप्लीट करना है। उसी प्रकार से इसमें मूल क्रिया और रंजक क्रिया ढूंढकर इसको पूरा करना है। सर्वनाम का भेद लिखना है कि कौन सा यहाँ पे सर्वनाम है। आपको यहाँ पे नीचे सर्वनाम बताए गए हैं। सर्वनामों को पूरे पढ़ना है। पुरुषवाचक है, निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक है, प्रश्नवाचक है, निजवाचक है, संबंधवाचक। इन सर्वनाम शब्दों के भेदों को अच्छे से पढ़कर और प्रश्न 3 पूरा करना है।